कंपलसरी लोग पानी का प्रॉब्लम, नल का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, ये लोग 12 साल से 15 साल से एक्सरसाइज पे रह के भी कुछ काम नहीं करे। इंशाल्लाह अगर वोट देंगे, काम देखकर वोट दीजिए, आप बेकार का फालतू का पैसे लेके उधर उधर देके वोट मत दीजिए। इंशाल्लाह काम देखकर वोट दीजिए। आपके लिए कौन आया काम में, आपको कौन अच्छे बुरे वक्त में ठहरा, उसको देख के वोट दीजिए। आपका वोट वेस्ट मत कीजिए। इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ ठहरे हुआ है। इंशाल्लाह 24 घंटे हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, अच्छा बुरा वक्त का है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ठहरने के लिए तैयार हूँ। मेरे वार्ड नंबर 27 से पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह एक बार अपने भाई को जिताइए, क्योंकि हर टाइम हर बार उनको वक्त दिए, डिप्टी मेयर बने, मेयर बने, चेयरमैन बने, सो फंड अंदर डाल दिए। मैं इंशाल्लाह मैं कॉन्ट्रैक्टर बनने वाला नहीं हूँ, मैं आपका भाई कॉर्पोरेटर बनने वाला हूँ। मेरे कायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद की ये जहनीयत है कि वो वार्ड नंबर के कैंडिडेट चुनने के जब बारी थी, जब ऐसे कैंडिडेट को चुना है जिसमें काबिलियत हो, जिसमें काम करने का जज्बा हो, जिसमें हौसला हो, जिसमें हिम्मत हो, ऐसे कैंडिडेट को नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने चुना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, गुलबर्गा की तारीख में ऐसा कोई लीडर नहीं है जैसा नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं। और मैं समझता हूँ नासिर हुसैन उस्ताद साहब की जैसी आवाज़ ना गुलबर्गा में ना किसी की है, ना किसी की थी, ना किसी की होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, गुलबर्गा में अगर कोई शेर कर्नाटक है, गुलबर्गा से बनेगा, वो मेरा कायद नासिर हुसैन उस्ताद है। और इंशाल्लाह हमारा विज़न ये है वार्ड नंबर 41 से और नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में गरीबों के लिए ई कॉमर्स जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, हेल्थ कार्ड है, वर्कर कार्ड है, लेबर कार्ड है, इंशाल्लाह हम इसकी सहूलत हर इलाके में करेंगे और स्कॉलरशिप हम मुहैया कराएंगे अपनी तरफ से। इंशाल्लाह एम्बुलेंस की सर्विस हम देंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम अपने वार्ड में खोलने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह सारे वार्डों से अपने उम्मीदवार कामयाब होंगे, कामरान होंगे। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और मेरे तमाम नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 3 तारीख को कॉरपोरेशन इलेक्शन की पोलिंग है, उस ज़िमन में ये एक कॉर्नर मीटिंग रखी गई है और लारी एसोसिएशन की ज्वाइनिंग प्रोग्राम और खदीर चौक के नौजवान बच्चों का जनता दल के साथ जुड़ने का प्रोग्राम रखा गया है। और मेरी अपील है वार्ड नंबर 40, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 42 के तमाम लोगों से कि जनता दल को भारी अक्सरियत से कामयाब करें और नासिर हुसैन उस्ताद साहब का हाथ मजबूत करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे हलके जहां से मैं उम्मीदवार हूं, वार्ड नंबर 40, कल मैंने उनकी तकरीर सुनी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम लोगों के सामने मेरे अपोजिशन वालों ने ये माना कि मेरे वार्ड में 40 में काम हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का भगवा रंग कॉरपोरेशन की बिल्डिंग पर झंडा लहराया जाएगा तो आप उसके लिए कांग्रेस को वोट देना है। मैं ये कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का झंडा बाद में लहराया जाएगा, आपने तो बीजेपी का मेयर बनाने वालों को उम्मीदवार बनाया है। आप हमें बीजेपी का डर ना बताएं, भगवा रंग का डर ना बताएं, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। जनता सब कुछ जानती है कि कौन बीजेपी के साथ है, बीजेपी को किसने टिकट दिया है, कॉरपोरेशन में भागा भागी किसने की है,
ये महला जिलानाबाद की आवाम भाली भांति जानती है। तो मैं जिलानाबाद की आवाम से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर जनता दल के तमाम चार उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और नासिर हुसैन उस्ताद साहब का हाथ मजबूत करें। नासिर उस्ताद जिंदाबाद, नासिर उस्ताद जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, गप्पू बात जिंदाबाद, अजित कल्याणी जिंदाबाद, नासिर। मैं मेरी महल्ले के मेरे वार्ड नंबर 40 की आवाम से ये वादा करता हूँ कि आज तक इन 9 सालों में जितना काम हमने करके दिखाया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कब्रिस्तान से लेकर गलियों तक, नाली से लेकर नल तक की लड़ाई और जोरों शोर से करेंगे। आज तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 40 में पानी की किल्लत, रोड और नालियों की किल्लत खत्म ही नहीं है जो हमारे आने से पहले थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरीके से मुझ पर भरोसा कर वार्ड नंबर 40 की आवाम, नौजवान साथियों और मेरी माँ बहनों ने मुझे जिताया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार भी अगर वो मुझ पर भरोसा कर मुझे अगर कामयाब बनाते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उनका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथी कैंडिडेट जनता दल के जो भी खड़े हैं वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पब्लिक के लिए डेवलपमेंट करेंगे। जो भी इंशाल्लाह जो भी स्कीमात गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी हम वो नहीं करेंगे, लाकर स्कीमों के चक्का अपने घरों को नहीं बांटेंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं बांटेंगे, हम गरीब जो जरूरतमंद हैं उनको इंशाल्लाह बांटेंगे। एमएस के मिल जिलानाबाद के 3 वार्ड के अंदर हमने बेहतरीन उम्मीदवारों को हमने कैंडिडेट बनाया है। हमारे सामने कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, एक नई पार्टी जो हैदराबाद की नई नई यहाँ पर आई है, एक पैसे वाले की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, इत्तेहाद में इंतजार पैदा करने के लिए वो लोग भी पैसे के बलबूते पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं। मैं एमएस के बिल जिलानाबाद में आपसे हक के साथ यहाँ पर आया हूँ। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं शांतिनगर में रहने वाला आपका पड़ोसी हूँ। आपसे हक के साथ मेरे उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर तकरार कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जितने भी सियासी दानिशमंद लोग हैं, समझ रखने वाले लोग हैं, कहाँ पर है कांग्रेस के वो खायदीन जो भारतीय जनता पार्टी को इख्तदार से दूर रखेंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये दावे किए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इख्तदार से दूर रखती है, कहाँ पर वो मुमकिन हुआ है? कहीं मुमकिन हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी के आज पार्लियामेंट में देख लीजिए आप, 100 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है तो वो कांग्रेस के लीडर्स हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को, शर्म आनी चाहिए उनको। आज कर्नाटक के अंदर हुकूमत हमारी थी, एक सेक्युलर हुकूमत थी, कुमार स्वामी साहब को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, कांग्रेस के सपोर्ट के बुनियाद पर बनाया गया। क्या वजह है कि आज कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर हुकूमत है? यहाँ पर बीजेपी हुकूमत में आने की वजह कांग्रेस के उन 15 एमएलए हैं जिन्होंने रिजाइन करके बीजेपी का साथ दिया। क्या बीजेपी में वो दमखम है क्या हमको हरा सके? नहीं, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो है हमेशा जो है उसको जो है इख्तदार पेश करने का काम करती है। कम्युनलिज्म का अगर कहीं पैदावार है, सॉफ्ट हिंदुत्व का अगर कोई पैदावार है तो वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हिंदुस्तान में अगर कोई कर रहे हैं तो वो रीजनल सेकुलर पार्टीज है। चाहे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी रोक रही है, आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर बताइए कहां पर
कांग्रेस ने बीजेपी को इख्तदार में रोका है। 15 साल बीजेपी हुकूमत करने के बाद एक बार कांग्रेस आ रही है। नरेंद्र मोदी को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ये जरूरत है, दलित भाइयों को ये जरूरत है, सेक्युलर ज़हन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों को जरूरत है कि बीजेपी को इक्तदार में अगर रोकना है तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करना है। कर्नाटक के अंदर अगर कोई ताकतवर रीजनल पार्टी है तो वो जनता दल सेक्युलर है। देवेगौड़ा जी की खयानत हिंदुस्तान के अंदर ये दावा के साथ, एक चैलेंज के साथ हम बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को इक्तदार से रोकेगी, मगर जरूरत इस बात की है कि मुसलमान हम जनता दल सेक्युलर के साथ जुड़े। कुमार स्वामी साहब ने, जनता दल ने आज आपके इस भाई को, आपके इस पड़ोसी को, आपके इस बेटे को आज स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है। स्टेट के अंदर सदर बना हूं मैं, मुझे मुसलसिल दो बार शिकस्त मिली। आपका ये भाई दो बार शिकस्त मिलने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारा। जब तक जिंदा हूं आपके बीच में रहूंगा। आज हमारे भी दो तीन भाई चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस के खिलाफ तकरीर देते, उनकी जबान नहीं थकती थी, आज चले गए मजबूर होकर के। उनका दावा यह है कि कांग्रेस के अलावा मुसलमान वोट नहीं देते। मैं आपका भाई आपसे गुजारिश करने आया हूं, मजबूर मत कीजिए मुसलमानों को, मुस्लिम खयादत को मजबूर मत कीजिए। पहचानिए कांग्रेस दुश्मन है मुसलमानों की, खयादत को खत्म करने वाली ताकत है। आपके बीच में यह सवाल है क्या मुसलमान सिर्फ पैसे के बुनियाद पर वोट करेगा, क्या खयादत को मजबूत करने के लिए वोट करेगा? या आपके बीच में सवाल रखने के लिए आया हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं जो है अपनी हिम्मत को बरकरार रखूं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं? तो आपको इनकी सूरत को देखना नहीं है। साजिद कल्याणी, रफू, समझ पटेल नहीं है ये कैंडिडेट्स, ये तीन नहीं है। हर वार्ड के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद उम्मीदवार है। आपको मेरे लिए वोट करना है। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक मीटिंग्स नहीं है, मैं जो है डर के बात करने वाला नहीं। मेरे दिल की जो आवाज है, मेरे पीछे कोई लीडर नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, 10 लोग ज्वाइन नहीं करे मेरे को। मेरे को अगर कोई गॉडफादर है, मेरे को अगर हाईकमांड अगर कोई है, तो मैं चाहता हूं कि वो हाईकमांड आप लोग बने, आप लोग मुझे डिक्टेट करें। कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं हूं मैं। कोई लीडर मुझे रिमोट पे नहीं चला सकता। मेरा बड़ा भाई है कुमार अन्ना, चीफ मिनिस्टर 2 बार बनाए, मेरे बड़ा भाई है, समझ के मोहब्बत के साथ मैं रखा हूं। वही एक ताकत आप लोग देना है, आप लोग मुझे ताकत दीजिए। ये मजबूरी में सियासी रोटी सेकने के लिए जो हमारे भाई जो है कांग्रेस में गए हैं, उनकी बात मत सुनिए। उनकी मजबूरी है, वो बोलते हैं, तकरीर अच्छी करते हैं, उनकी तकरीर दीजिए, सुनिए। आया शेर आया बोलो, मगर दिल में याद रखो आपका ये भाई आपके लिए जब तक जिंदा है कभी डर के काम नहीं करेगा। आपके मसले को, सवाल उठाने का काम आपका भाई करेगा। मुझे हिम्मत दीजिए। 10 तारीख के बाद मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में इक्तदार ले रहा हूं, मैं सीना चौड़ा करके वहां पर मेरे ऑफिस का चार्ज लेना चाह रहा हूं। अगर आप यहां पर जिताएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये भाई कर्नाटका भर के अंदर आपकी आवाज बन करके काम करेगा। हमारे एक नौजवान साथी हमारे अलीम पटेल साहब भी आए, बहुत मेहनत किए थे, कांग्रेस की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, मगर देख लिए कि किस तरह से नौजवान खयादत को किस तरह से खत्म करने का काम कांग्रेस ने किए। आज जनता दल सेकुलर की जानिब से हमारे अलीम पटेल भी उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह ताला हीरापुर के अंदर 100% जीत के आएंगे, कोई शक को शुबा नहीं है। आज हमारे एमएसके जिलानाबाद के अंदर इन तीन वार्डों के जिम्मेदार हमने खयूम पटेल साहब को बनाया है, उनकी लीडरशिप के अंदर इलेक्शन होगा। हमारे जो है भवानी वलकेरी साहब की लीडरशिप पे इलेक्शन होगा, और हर कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद समझ करके आप लोग काम कीजिए। गुलबर्गा के पश्चिम वार्ड के अंदर मेरे इस जज्बे को, मेरे इस हिम्मत को, मेरे इस लड़ाई को अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई दूसरे आने वाला नहीं है। किसी लीडर की चमचागिरी मुझसे नहीं होती, चापलूसी मुझसे नहीं होती, झूठ मुझसे नहीं बोला जाता। पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है। पैसे के बुनियाद में सियासत करने वाला नहीं हो। आपके दिलों के जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का सहारा मुझे चाहिए।
आप मेरा हाथ पकड़े इंशाल्लाह ताला, कमिश्नर के भी आंख में आंख डाल के बोलेगा, होम मिनिस्टर के आंख में आंख डाल बोलेगा, चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डाल बोलेगा। मेरे इस हिम्मत का, मेरे इस जज्बे का कदर कीजिए। मैं आपका भाई हूँ, वक्त नहीं है कि मेरे आयब ढूंढे, वक्त नहीं है कि मेरे आयब अभी भी ढूंढो, माफ कर दो, होंगे मुझसे गलतियां, मैं इससे पहले भी बोला, पछता रही है कौम, नासिर उस्ताद जिंदाबाद, रही है कौम जिंदाबाद, पछता रही जिंदाबाद। कांग्रेस के जो एमएलए साहब हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने लोग आए हैं कांग्रेस छोड़ करके, वो पावर एंजॉय करके आए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके घर में 40 साल से पावर है, आपके घर में भी 40 साल से पावर है, क्या आप आगे आने इलेक्शन के अंदर अपनी एमएलए सीट को कुर्बान करके दूसरे नए आदमी को देंगे, देने वाले हैं क्या? वो क्या करते हैं बाद में, मैं अगर नहीं ढेरे तो मेरे बाद में ही नहीं देंगे। कमर उस्लाम के साथ भी, कमर उस्लाम के बाद भी, उसके पोत्रे के साथ भी, उसके पोत्रे के साथ भी, अरे भाई जरूरत नहीं है इन बेवकूफ नारों की। आज कौम उसके साथ जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास जो है ताकत है, जिसके पास इरादे मजबूत है। नौजवान नौजवान फैसला करेगा। अलीम पटेल को पावर मिला छोड़ गया, अरे तुम्हारे को भी मिला छोड़ो, तुम मेयर बनने वाले को टिकट नहीं देते, एक मेयर को कई को दिए दिए नहीं दिए। ये सारे चीजें जो है मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपका है भाई आपसे गुजारिश करता है कि हमारे चारों उम्मीदवारों को जिता के लाएगी इंशाल्लाह ताला, एक ताकत होगी। 4 तारीख के बाद ये हैदराबादी शेरवाने आने वाले नहीं, इधर शौक रखने वाले वो कुछ होने वाला नहीं। शेर बोलते समझ में आता तो समझ ले वरना छोड़ दो। हमने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये कहा है कि उड़ने दो इन पंछियों को आजाद फिजा में, क्या उड़ने दो इन पंछियों को आजाद फिजा में, जो अपने हैं लौट के आएंगे जरूर मेरे भाई।